पैठाको तालनी यागुल 25 मे सालमारीनिसिमी हाकतनी नखाव बिरसिनाय डोमेस्टिक बिरखुं 25 मे सालमारीव महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट निसिमी बेबागै कायदक बिरखुं गुवाहाटी कलकत्ताताय बेंगालुरु थांलाय सुख्लायनानै कक्टमा आबनि बागै बिरखुं खलाव स्ट्रिक्टलि टंनाय दल थाम सेम्पल कलेक्शन टीम होम क्वारेन्टाइननि बागै टंनाय दल नै टीम तै थार्मल स्केनिंगनि बागै टंनाय दल नै टीम बिरखुंनि बिसिंतै हास्तेव कतालखे करोना भाइरास सकपायातैखे ककटिसाल वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि डीएम तै महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्टनि डायरेक्टरनि बिसिंग खालायजाखा कैसा नांखुकमानि कक्सा पान्दा कक्सा पान्दा पाइमानि यागुलो कक्टमा थुमनाय रोगनि सोमोंग सालथां हांकरनि डीएम डॉक्टर संजीव महात्मे साखा कल से महाराजा बीर विक्रम अगरतला एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने वाले अराइवल और डिपार्चर दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी 6 फ्लाइट कल से आ रही है इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इसमें सभी पैसेंजर्स का 100% थर्मल स्क्रीनिंग होगा। जो सिम्टोमेटिक मिलेगा उसका सैंपल लिया जाएगा और जो असिम्टोमेटिक रहेंगे उनका 20% पैसेंजर्स का सैंपल कलेक्शन ऑन द स्पॉट होगा। इसके अलावा सभी पैसेंजर्स जो अदरवाइज बिजनेस पर्पज से नहीं आए तो उनको 100% उनका होम क्वारंटाइन का स्टाम्प भी यहाँ पे होगा, पूरा डिटेल एड्रेस भी यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो भी पैसेंजर्स जाने वाले हैं उनका भी थर्मल स्क्रीनिंग होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट का जो गाइडलाइंस है, जो वेब चेकिंग है, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है एयरपोर्ट के अंदर हो या एयरपोर्ट के बाहर ही, इसके बारे में भी यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कशन हमारा हुआ है। और कोई सिक पैसेंजर्स अगर हमें मिलता है तो जो स्टैंडर्ड SOP है उसके बारे में भी हम इसमें एक्शन लेने वाले हैं। तो एडिक्वेट टीम्स हमारी यहाँ पे कल से डिप्लॉय करने वाले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से और CMO साइड से एक नोडल ऑफिसर यहाँ पे तैनात होगा कल मॉर्निंग से, वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे देखेंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी कोरोना सस्पेक्टेड केस आता है या सिम्टोमेटिक जो केसेस आता है उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे उनका बाकी लोगों को ट्रांसमिशन ना हो या जो अदरवाइज हेल्दी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए कम से कम रिस्क हो, इस हिसाब से हम ये बारा पूरा एक्टिविटीज़ हम प्लान करें। यहाँ पे हम 3 सैंपल कलेक्शन टीम्स रहेंगी, 2 थर्मल स्क्रीनिंग अराइवल पे रहेगी, होम क्वारंटाइन स्टैंप करने के लिए 2 टीम्स रहेगी और डिपार्चर के यहाँ पे भी दो कम से कम एक या दो टीम हम रखेंगे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए। यंगटाई खक्सा फासिंग कक्सा पान्दा पाइमानि यागुलो कक्टमा थुमनाय रोगनि सोंमुंग महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्टनि डायरेक्टर साखा। दो महीने के बाद कल से 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की अनुमति मिल गई है और अगरतला एयरपोर्ट पर भी कुछ 6 फ्लाइट अब कल से ऑपरेट करेंगी, जिसके कनेक्शन आने वाले कोलकाता से हैं और 1 फ्लाइट गुवाहाटी से है और 6 फ्लाइट वापस कोलकाता यहाँ से जाएंगी। अभी जो नई सिचुएशन है, जो COVID-19 के थ्रू जो की वजह से जो गाइडलाइंस दी गई हैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन से, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर जब पैसेंजर आएंगे तो उनको क्या क्या चेंजेस होंगे उसको हम बताने की चाहेंगे कि उसमें सभी नॉर्म्स को MBB एयरपोर्ट अगरतला पर भी फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले पैसेंजर के आने के बाद उनको अपनी एक आइडेंटिफाइड जगह पर अपना बैगेज रखना होगा जिसको डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा। उसके बाद वहाँ से अपना थर्मल स्क्रीनिंग होगी जिसके लिए स्टेट से कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर की टीम वहाँ अवेलेबल रहेगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ और टिकट है वो CISF को दिखाना होगा और वो पहले जिस तरह से पेपर फॉर्म में डायरेक्ट दिखाया जाता था अभी एक एक्रेलिक शीट का एनक्लोजर होगा बीच में जिससे कि किसी भी तरीके की स्प्रेडिंग को रोका जा सके। उसके बाद जैसे गाइडलाइंस हैं कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सभी पैसेंजर को वेब चेकिंग कंपलसरी है, वेब चेकिंग करके आना होगा और अपना बोर्डिंग कार्ड चाहे वो ई फॉर्म में मोबाइल पर हो और पेपर फॉर्म में दोनों ही ला सकते हैं। यहाँ आने के बाद अपने अगर किसी के पास लगेज है तो ये चेक इन काउंटर जो है वो लगेज काउंटर में है, अभी कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ से उनको अपना आइडेंटिफिकेशन लगेज के लिए खुद PNR नंबर दिखाने पर उनकी साइड से आएगा, प्रिंट आउट हो जाएगा, उस प्रिंट आउट के पीस को अपने लगेज पर लगा के रख देने से उसके बाद उनको अपना बोर्डिंग कार्ड जो SHA में है सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने के लिए वहाँ पर जो पहले स्टैंपिंग होती थी वो अभी हटा दी गई है बोर्डिंग कार्ड से
अपना ई फॉर्म में और पेपर फॉर्म में जो भी उनके साथ है उसको लेके वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा है और उस कैमरे के सामने उनको दिखाना होगा। उनकी आइडेंटिटी और बोर्डिंग कार्ड को मैच हो जाने के बाद पैसेंजर को सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने दिया जाएगा। जगह जगह हमने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, कुछ 15 पोजीशंस आइडेंटिफाई की हैं। जो फुट ऑपरेटेड मशीन्स हैं उनमें सैनिटाइजर रहेगा, जो कंटिन्यूसली स्टाफ और पैसेंजर को यूज़ करने के लिए उसमें लिखा गया है। जहाँ पर भी क्यू होने की संभावना है, चाहे वो एंट्री गेट से लेके चेक इन काउंटर्स पर, SHA में, बोर्डिंग गेट से पहले, वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए मार्किंग की गई है फ्लोर्स पर। सिटिंग अरेंजमेंट में भी बीच की सीट को खाली रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। कॉन्टैक्ट लेस पैसेंजर फ्लो जो मेन आइडिया है जो चेंज हुआ है उसके सभी नॉर्म्स को ध्यान में रखा गया है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पैसेंजर यहाँ आ रहे हैं वो जो गाइडलाइंस हैं 2 घंटा मिनिमम पहले आने की उसको फॉलो करें और वेब चेक इन अपना करके आएँ। इतना वेब चेक इन जिसका नहीं होगा उनको यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी। ऑल्दो हमने उनको एयरलाइन के साथ टाई अप किया है कि उनको अलाउ करें, लेकिन उसको उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं वेब चेक इन का, उसको पूरा पालन करें। और बाकी एयरपोर्ट MBB एयरपोर्ट अगरतला पैसेंजर्स को वेलकम करने के लिए और दोबारा से यहाँ से फ्लाइट को एकोमोडेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लगेज कितना ले सकते हैं? एक चेक इन लगेज इंडिगो का 20 kg है और एक हैंड बैगेज जो होगा बहुत छोटा, लाइक लैपटॉप बैग और बहुत छोटा। और एयर इंडिया का है 2 होगा, एक चेक इन लगेज 25 kg लिमिट और एक जो हैंड बैगेज वो बहुत छोटा। राजाखर आगुली निशिमी कृषानोष निकोकथुम चीनी खरांग।